बैम बूम ब्रीम। दोस्तों कैसे हो, क्या पोजीशन है? बहुत महाफाड़ू महाकतरू स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बैटलफील्ड की लाइव रिवील, बैटलफील्ड 5 की लाइव रिवील के बारे में। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है सब कुछ, तो एंड तक देखना ये वीडियो ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैटलफील्ड 5 आपको कब खेलने मिलेगा। स्टैंडर्ड एडिशन अगर आप लेते हो तो 19 अक्टूबर को आपको खेलने मिलेगा। डिलक्स एडिशन अगर आप लेते हो तो 3 दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर को आपको खेलने मिलेगा। और अगर आपके पास पीसी पर या फिर एक्सबॉक्स के ऊपर ईए एक्सेस है तो आपको पहले ही खेलने मिल जाएगा अक्टूबर 11 को प्ले फर्स्ट ट्रायल के रूप में। और 10 घंटों के अंदर जो भी आपकी प्रोग्रेस रहेगी कैंपेन मोड के अंदर या फिर मल्टीप्लेयर मोड के अंदर, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी अगर आप डिसाइड करते हो गेम परचेस करने का। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं टाइड्स ऑफ वॉर के बारे में। टाइड्स ऑफ वॉर क्या है, समझ लो कि आपका ये असाइनमेंट के अंदर घुसने का मेन्यू है टाइड्स ऑफ वॉर। और इसमें इस बार नया क्या है, टाइड्स ऑफ वॉर में नई चीज ये है भाई कि आपके सामने आएंगे डेली वीकली और मंथली चैलेंजेस असाइनमेंट के रूप में। तो समझ लो एक मॉडिफाइड असाइनमेंट मेन्यू आपको दे दिया गया है यहाँ पे। जैसे आप टाइड्स ऑफ वॉर में एंटर करोगे आपको टाइड्स ऑफ वॉर की अलग से स्क्रीन दिखाई देगी, वहां पे आपके डेली मंथली वीकली असाइनमेंट्स रहेंगे। अब मैं बता दूं असाइनमेंट्स के अंदर होगा क्या, ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही सही साट लगी। ग्राफिक्स भी मुझे अच्छे लगे, पर जैसा कि मैंने बताया मुझे गन के साउंड और थोड़ा सा बनावटी, अगर एक थोड़ा सा और रियलिटी या फिर रियलिज्म उन साउंड्स में होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। खैर वो बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, अब मुझे बात करनी है टाइड्स ऑफ वॉर के बारे में। तो ठीक है, टाइड्स ऑफ वॉर से हम स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हमें मिलने क्या वाला है, जैसे आपने मान लो एग्जाम्पल के लिए आज आपका पहला दिन है, आपने टाइड्स ऑफ वॉर में एंट्री करी, पहला ही असाइनमेंट आपने कंप्लीट किया, तो उसके अंदर आपको मिल क्या क्या सकता है। असाइनमेंट के अंदर घुसने से पहले ही आपको पता होगा कि भाई ये असाइनमेंट करने से मुझे अनलॉक क्या होने वाला है, क्या नए व्हीकल की स्किन अनलॉक होने वाली है या नया व्हीकल अनलॉक होने वाला है या फिर कोई वेपन्स में अनलॉक कर पाऊंगा। टाइम इवेंट्स होंगे कि मान लो कोई पर्टिकुलर मैप का एरिया आपको दे दिया गया है, वहां पे कुछ गिवन अमाउंट ऑफ एनिमीज हैं, उनको आपको हो सकता है 90 सेकंड्स में सारी वेव खत्म करनी है, ऐसे इवेंट भी आपके सामने आ सकते हैं। नए डॉग टैग्स, एमलेम्स, फेस पेंट, नए तरह के टैटू फैटू वाले, कीचड़ वाले जहाँ तक ओके है, पर क्योंकि ये अब एक गेम है तो उतना ज़्यादा भी स्पेसिफिक ना हो तो ठीक है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा स्पेसिफिक होने नहीं वाला। अगर टैटू कुछ रंग बिरंगे भी आते हैं तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है। पर अगर ये गेम एक ऑथेंटिक मिलिट्री शूटर से अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि गेम ही तो है, थोड़ा बहुत चला ही लेंगे हम। तो बेसिकली आपके असाइनमेंट्स आपको दे सकते हैं नए व्हीकल, वेपन्स, टाइम इवेंट्स, यानी कि मान लो एग्जांपल के लिए 90 सेकंड में कोई गिवन अमाउंट ऑफ एनिमी वेव आपको क्लियर आउट करनी है वो करो, डॉग टैग्स मिल सकते हैं आपको, फेस पेंट हो सकते हैं, नई सोल्जर स्किन्स आपको मिल सकती हैं और नई वेपन स्किन्स भी आपको वहीं से मिलेंगी असाइनमेंट से। ये हो गया अपना टाइड्स ऑफ वॉर बॉस। और तो और इसमें मेन चीज ये है कि आपका इसमें कंबाइंड आर्म्स या फिर मल्टीप्लेयर, कंबाइंड आर्म्स से मेरा मतलब है कि को ऑप मिशन, आपने अपने फ्रेंड के साथ में लॉग इन किया और आप उस को कंबाइंड आर्म्स वाले मिशन में घुस गए क्योंकि आपको आज वो असाइनमेंट मिला है करने को, उसके पीछे कोई नया वेपन हो सकता है, कोई नई वेपन स्किन हो सकती है, वो करने आप घुसे हो, या फिर वो को ऑप ना होते हुए, कंबाइंड आर्म्स ना होते हुए मल्टीप्लेयर का कोई असाइनमेंट हो सकता है कि आपको गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एक ही मैच के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर गन से आपको इतनी किल्स करनी है, तो ये आपके असाइनमेंट हो गए टाइड्स ऑफ वॉर के अंदर। अब मैं दूसरी अच्छी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है, वो है फुल सोल्जर कस्टमाइजेशन। हाँ बॉस, हम पूरा एक आरपीजी एलिमेंट घुसता हुआ देख रहे हैं बैटलफील्ड के अंदर। अगर आपके फ्रेंड ने स्नाइपर क्लास ले रखी है और आपने स्नाइपर क्लास ले रखी है तो दोनों के सोल्जर सेम ही दिखने वाले हैं। इस बार ऐसा नहीं होने वाला बॉस, क्योंकि अब आपका सोल्जर एनोनिमस सोल्जर नहीं रहेगा, अब आप अपने सोल्जर को कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से, फेस पेंट लगा के, टैटू लगा के, पूरा का पूरा जो उसका कॉस्मेटिक लुक है वो आप चेंज कर सकते हो और स्टैंड आउट कर सकते हो, एकदम एक्सक्लूसिव अपना खुद का लुक बना सकते हो जो भी आपकी इन्वेंट्री आपको वहाँ पे दी गई रहेगी। पता नहीं हमें वो कितनी बड़ी इन्वेंट्री होगी टैटूज की और आपके गियर्स की, गियर्स में सब कुछ आ गया, आपका जैकेट वैकेट जीन्स कार्गो वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ गया, तो कितनी बड़ी इन्वेंट्री होती है वो तो हम जब गेम रिलीज होगा हमें तभी मालूम पड़ने वाला है। तो बॉस हमने बात कर ली सोल्जर कस्टमाइजेशन की, अब हम आते हैं द कंपनी के ऊपर। द कंपनी है क्या, बेसिकली कंपनी आपकी समझ लो पर्सनल कलेक्शन है कस्टमाइज सोल्जर, कस्टमाइज वेपन और आपके कस्टमाइज व्हीकल का एक कंप्लीट लोड आउट आप द कंपनी उसको समझ सकते हो। अब अगर मान लो आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो कोई नहीं चाहेगा कि आपके चारों के चारों या पांचों के पांचों स्क्वाड में स्नाइपर बन के घूमे, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए इसका मतलब है कि 5 खोपड़ी खोलो जो है मेरी स्क्वाड में, भाई साहब भगवान। जैसे जैसे आपका सोल्जर रैंक अप होता चलेगा 1 से लेकर रैंक 10 तक, मुझे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि उसमें भी रैंक 10 ही आए हर क्लास के लिए, हो सकता है रैंक 20 हो जाए क्लास के लिए, तो हर रैंक दर रैंक आपके सोल्जर का लुक बदलता जाएगा और जैसे ही आप उसको क्लास को मैक्स रैंक कर लोगे
तो और जैसे ही आप उस क्लास को रैंक्ड जब जैसे आप उस क्लास की रैंक को मैक्स्ड आउट कर लोगे तो आपका सोल्जर का फील कुछ अलग ही दिखने वाला है बॉस। जिस तरह से बैटलफील्ड 1 में सबके पास था गैस मास्क, उसी तरह से अब सबको मिलने वाला है बैटलफील्ड 5 में टूल बॉक्स जो आपको फोर्टिफिकेशंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। समझ लो एक टू स्टोरी बिल्डिंग है, समझ लो एक वन या टू स्टोरी बिल्डिंग है, वो आप खड़ी कर सकते हो, उसके आसपास आप बैरिकेडिंग कर सकते हो यानी कि सैंड बैग्स लगा दिए, और फोर्टिफिकेशंस के अंदर माउंटेड वेपन्स होंगे, एंटी एयर होंगी। अब भाई फोर्टिफिकेशन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, एक एनिमी स्क्वाड इनफ है पूरे फोर्टिफिकेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर कोई भी आपका एक टैंक इनफ है आपकी फोर्टिफिकेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मेन चीज मुझे यहाँ लग रही है कि आपका फोर्टिफिकेशन जो है वो स्पॉन पॉइंट का काम तो करेगा ही करेगा, तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा मेरे ख्याल से उस फोर्टिफिकेशन को बचाने के लिए, क्योंकि आपको मिनिमम आप में नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई ये तुम्हारी फोर्टिफिकेशन टूटने वाली है, जाओ इसे बचाओ, तुम्हारा स्पॉन पॉइंट है, बहुत ही टैक्टिकल सिद्ध हो सकता है तुम्हारे लिए। अब बात अगर कर लें कॉन्क्वेस्ट की, तो बॉस बैटलफील्ड 3 वाला कॉन्क्वेस्ट वापस आ चुका है, टिकट ब्लीड सिस्टम, क्लासिक कॉन्क्वेस्ट जिसको इस बार नाम दिया गया है। अब जरा बात कर लें एक नए गेम मोड की जो कि 4 दिन तक चलेगा बॉस, फिक्शनल 4 डेज आपके इन गेम 4 डेज, और उसको नाम दिया गया है ग्रैंड ऑपरेशंस, और उसको नाम दिया गया है ग्रैंड ऑपरेशंस। समझ लो कि मल्टीपल गेम मोड्स का इसको एक गेम मोड बना दिया गया है और वो हो गया ग्रैंड ऑपरेशन। तो इस ग्रैंड ऑपरेशन के पहले दिन आपको कूदना है एरोप्लेन से, यस एरोप्लेन से आप एयरबोन नीचे आओगे, जमीन में कूदोगे, और आपका एकमात्र लक्ष्य है दुश्मन की आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करना। अगर आप अटैकर हो या फिर अगर आप डिफेंडर हो तो आपको वो आर्टिलरीज डिस्ट्रॉय होने से रोकनी है। डे 2 का नाम ब्रेक थ्रू होगा, और जहां पे आपके पहले दिन डे 1 में आपने जितने रिसोर्सेज आपके पास बचे हैं वहां से जितनी लाइफ आपके पास बची, एग्जांपल के लिए अगर आपको डे 1 में लाइफ दी गई थी, डे 1 को आपको 5 दी गई थी, उनमें से आपने 2 खर्च कर दी, तो डे 2 या ब्रेक थ्रू के दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लाइफ बचने वाली हैं। ये आपकी बात है, ऐसे ही आपके दूसरे सोल्जर्स ने अगर अपने रिसोर्सेज खत्म कर दिए हैं तो उनके पास जितने रिसोर्सेज बचे होंगे वो डे 2 को आपको यूज करने में आएंगे। डे 3 में कॉन्क्वेस्ट असॉल्ट नाम का गेम मोड उभर के आएगा जमीन में से, मतलब एग्जैक्टली जमीन में से नहीं, डे 3 में आपको कॉन्क्वेस्ट असॉल्ट खेलने में आएगा, जहां पे आपको गिवन टेरेन कैप्चर करनी है और एनिमी को उसे डिफेंड करना है अगर आप एक डिफेंडिंग साइड में हो तो। अब बात करते हैं डे 4 की, क्योंकि 4 फिक्शनल दिन का ही ये पूरा ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है। तो डे 4 में होगा क्या, कीचड़ में लथपथ हो आप और आपके वेपन पूरे कीचड़ में सन गए हैं। अब भाई होगा क्या, आपके पास ना कोई एमओ होगा, ना ही आपके पास कोई हील होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक क्लिप बची रहेगी इन रिगार्ड्स टू व्हाट वेपन यू हैव और कौन सी क्लास चूज करके आप चल रहे हो बॉस। और फिर ये देखना होगा भाई कौन आखिरी में उभर के आता है, द लास्ट वन स्टैंडिंग, फाइनल स्टैंड, या फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग, समझ लो इन तीनों में से कुछ भी। तो ये बड़ा कंसेप्ट मुझे सही लगा। तो इन 4 दिनों में मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि होने क्या वाला है, पर अगर डे 1 पे जब आप एरोप्लेन से नीचे कूदना होता है आपको आर्टिलरी डिस्ट्रॉय करने के लिए, अगर वहीं पे आपकी सारी की सारी टीम मर गई तो ये पूरा का पूरा ग्रैंड ऑपरेशंस एनिमी टीम जीत जाएगी, डिफेंडिंग टीम जीत जाएगी। अब कुछ छुटपुटिया चेंजेस हैं जिसमें से कुछ एक तो नोट करने लायक है, जैसे कि अगर आप कहीं एक्सप्लोजन के आसपास हो तो एक्सप्लोजन निकला सो निकला, उसके अंदर से जो शॉक वेव निकली वो भी आपके सोल्जर को अफेक्ट करने वाली है। मान लो कि आप भाई खड़े हो एक्सप्लोजन के पास में तो आपको भी वो धक्का महसूस होने वाला है, और अगर आप जूम इन करके किसी को स्नाइपर शॉट मारने जा रहे हो तो भी आपका सोल्जर हिल ढुल जाएगा भाई साहब। एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ जो कि वन ऑफ द डिजाइनर ने बोली है कि देयर विल बी न्यू वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, व्हीकल्स तो कोई नया वे हुआ नहीं, व्हीकल्स तो हमें मालूम ही, अगर आपको ए फ्लैग से भाई लास्ट वाले फ्लैग तक जाना है एनिमी के फ्लैग के बेस वाले फ्लैग में तो आपको व्हीकल से जाना होगा, पर न्यू वेज का तरीका क्या है, हो सकता है बॉस बहुत हद तक हो सकता है कि आपको टनल मिल जाए एक फ्लैग से दूसरे फ्लैग तक जाने के लिए, अगर अंडरग्राउंड टनल सुरंग मिल जाए वर्ल्ड वॉर 2 टाइप की तो बॉस मजा ही आ जानी, क्या बोलते ले। 9th जून को EA प्ले आने वाला है, 9-11 जून होने वाला है EA प्ले, वहां पे हमें गेम प्ले भी देखने को मिलेगा मल्टीप्लेयर, और बाबा री बाबा पता नहीं इन लोगों ने बैटल रॉयल मोड पे काम किया है या नहीं किया है। अगर हमको 9 जून को भी बैटल रॉयल गेम मोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि हाँ भाई बैटलफील्ड 5 वालों का, डाइस वालों का क्या टेक है बैटल रॉयल गेम मोड के ऊपर, तो अगर पूरी तरह इग्नोर जाता है बैटल रॉयल गेम मोड तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा ड्रॉबैक होगा इस गेम के लिए, इस फ्रेंचाइज के लिए, EA के लिए, ऑल इन ऑल, अनलेस EA ने कुछ अलग ही प्लान कर रखा है कि हाँ भाई हमारा एक सेपरेट बैटल रॉयल गेम मोड आने वाला है। कह नहीं सकते क्या चल रहा है उनके दिमाग में। दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर एक लाइक बटन हिट करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना जो कि गेमिंग पसंद करते हैं, अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मज़े ला दूंगा मैं भाई साहब।
भगवान। आने वाले वीडियोस में, आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में मैं आपसे फिर मिलूंगा। मैं हूं गोल्डी, भारत माता की जय। बैम बूम ब्रीम।